हेमंतपुर राज्य के राजा सुंदरसेन की एक लौती बेटी थी जिसका नाम था कुसुम। राजा अपनी बेटी कुसुम से बड़ा ही प्यार करता था। राजकुमारी कुसुम बहुत ही सुंदर और समझदार थी। जब राजकुमारी जवान हुई तो राजा और रानी को उसके विवाह का चिंता सताने लगी। एक दिन राजकुमारी के लिए दो राजकुमारों के रिश्ते भी आ गए। अब महाराज को यह फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया कि राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाए। राजा ने इस बारे में महारानी से बात की और कहने लगे, महारानी, हमारे पास पड़ोस के दो राजकुमारों के रिश्ते राजकुमारी से विवाह के लिए आए हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किसको चुनूं, क्योंकि दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य हैं और दोनों ही राज्यों के साथ हमारे रिश्ते बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे में किसी एक राजकुमार को चुनना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? महाराज, मैं आपकी मुश्किल को समझ सकती हूँ, परंतु सच मानिए, मुझे भी समझ में नहीं आता कि राजकुमारी का रिश्ता किस राजघराने से जोड़ा जाए। इस तरह से वो दोनों काफी देर तक विचार विमर्श करते रहे और अंत में वो किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचे, जिससे कि इस समस्या का कोई भी हल नहीं निकल सका। दूसरी तरफ जो रिश्ते राजकुमारी के लिए आए थे वो दोनों ही पड़ोस के राज्य के राजकुमारों के थे, जिनमें एक राजकुमार का नाम दुष्यंत और दूसरे का नाम प्रद्युमन था। उनमें से राजकुमार दुष्यंत बहुत ही अकलमंद और देखने में बहुत ही सुंदर था, जबकि दूसरा राजकुमार जिसका नाम प्रद्युमन था वो ना तो नेक था, ना बहादुर और ना ही अकलमंद। उसने मन ही मन में ये योजना बना रखी थी कि राजकुमारी से वो एक बार शादी कर ले, उसके बाद वो षड्यंत्र रचकर राजा के राज सिंहासन पर कब्जा कर लेगा। अब क्योंकि राजा और रानी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे और राजकुमारी की पूरी जिंदगी का मामला था, तो महारानी ने राजकुमारी से राय लेना ही उचित समझा कि राजकुमारी जिसे भी चाहेगी और पसंद करेगी उसी के साथ राजकुमारी की शादी कर दी जाएगी। बेटी, जैसे कि तुम जानती हो, हम तुम्हारे लिए एक योग्य लड़की की तलाश कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे पास दो पड़ोसी राज्यों के राजकुमारों के रिश्ते आए हैं। दोनों ही राजकुमार बहुत ही योग्य और सुंदर हैं। साथ ही तुमसे शादी करने की इच्छा रखते हैं। मैं और तुम्हारे पिता ने काफ़ी विचार विमर्श किया। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जिस भी राजकुमार को तुम चुनोगी उसके साथ ही तुम्हारी शादी की जाएगी। तो आप तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा राजकुमार पसंद है। माँ, आपने और पिताजी ने मेरी परवरिश इस तरह से की है कि मैं माता पिता के निर्णय को ही सबसे बेहतर मानती हूँ। आप जहाँ भी कहोगी और जिससे भी कहोगी मैं शादी कर लूँगी। जीती रहो मेरी बेटी, तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, लेकिन समस्या में तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि दोनों राजकुमार हमारी नज़र में बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम हमारी उलझन को दूर करो और अपना फैसला सुनाओ। माँ, अब जिससे भी कहूँगी मैं शादी कर लूँगी, मुझे आपका ही फैसला मंजूर होगा। बेटी, मैं कह तो रही हूँ कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है माँ, मैं उस राजकुमार से शादी करूंगी जो मेरी तीन शर्तें पूरी करेगा।
बताओ क्या है वो शर्तें? मेरी पहली शर्त ये है कि वो राजकुमार उस तालाब में तैर कर दिखाए जिसमें आदमखोर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त ये है कि वो राजकुमार चावलों से भरा हुआ पूरा पतीला खा जाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि वो राजकुमार सोता हुआ घोड़ा लेकर आए और उस पर सवारी करके दिखाए। बेटी, इसका मतलब ये है कि तुम कभी शादी नहीं करोगी, क्योंकि कोई भी राजकुमार तुम्हारी ये अजीबोगरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकता। तुम्हें पता है कि तालाब का आदमखोर मगरमच्छ कितना बड़ा और कितना खतरनाक है। किसमें इतना हिम्मत है कि वो उस तालाब में जाए? और कौन सा राजकुमार पतीला भरकर चावल खा सकता है? राजकुमार तो वैसे ही बड़े कोमल होते हैं, थोड़ा सा भी खा लेंगे तो उनका पेट भर जाता है, तो भला पतीला भरकर चावल कौन खाएगा? और सोए हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा या भागेगा? रानी की बातें सुनकर राजकुमारी अभी भी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देखकर रानी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वो पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई और सीधा राजा के कक्ष में गई और अपनी लाडली बेटी की शिकायत राजा से करने लगी। आपकी बेटी किसी से शादी करना ही नहीं चाहती, इसीलिए उसने ऐसी बेतुकी शर्तें रखी है। इसके बाद रानी ने सारी बात राजा को पूरे विस्तार से बता दी। रानी की बात सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे। रानी, आप भूल गई कि आपने भी तो शादी के लिए 3 शर्तें रखी थी। बहुत सारे राजकुमार उन शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए थे, मगर उन शर्तों को हमने पूरा किया था। महारानी को पुरानी बातें याद आ गई। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, मेरी माँ ने मेरी शादी अपने सखी के एक बेटे से करवाना चाहती थी, जो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर भी मेरी शर्तें ऐसी थी जिसमें हिम्मत और बहादुरी की जरूरत थी, जैसे आदमखोर शेर को तलवार से मारना, जिस शेर ने हमारे राज्य में कई इंसानों को अपना भोजन बना लिया था। दूसरी शर्त थी राज्यों के जंगलों में छिपे हुए लुटेरों को गिरफ्तार करना, जिन्होंने हमारे प्रजा में बहुत ही आतंक मचा रखा था और गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। आखिरी शर्त थी पहाड़ों को काट कर नदी के लिए रास्ता बनाना, जिससे कि हमारे राज्यों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। और मुझे गर्व है कि आपने वो सभी शर्त पूरी की थी। आप बहादुर और हिम्मत वाले निकले। तब राजा ने कुछ सोचकर कहा, रानी, अगर हम वो शर्तें पूरी ना कर पाते तो हमारी शादी आपसे नहीं होती। क्यों नहीं हो पाती शादी? अगर आप शर्तें पूरी नहीं भी करते तो भी मैं आपसे शादी कर लेती। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। परंतु महाराज, आज हमारे सामने जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? पहले तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि हमारी बेटी की शादी किससे की जाए, लेकिन अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं कि वो अपने बेसिर पैर की शर्तों को छोड़ दे। रानी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी चाहती है कि उसका होने वाला पति बहुत ही बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई थोड़ी सी भी समझदारी दिखाएगा तो राजकुमारी की शर्तों को आसानी से पूरा कर सकता है। मैं दोनों राजकुमारों के सामने ये शर्त रखूंगा और कहूंगा कि जो भी इन शर्तों को पूरा करेगा उसी से ही मेरी बेटी का विवाह होगा। इसके बाद राजा ने ऐसा ही किया और अपने दूतों के हाथ संदेश भिजवाकर
दोनों राजकुमारों को महल में बुलवा लिया। दोनों राजकुमार अपने अपने कुछ खास नौकरों के साथ महल में हाजिर हो गए। राजा ने दोनों राजकुमारों को अपने महल के शाही मेहमान खाने में रुकवाया। वहां पर इन राजकुमारों की खातिरदारी की पूरी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो सके। उसी दिन शाम के समय महाराज दोनों राजकुमारों से मिले। पहले महाराज ने राजकुमार दुष्यंत पर एक नजर दौड़ाई। राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। राजकुमार दुष्यंत की कटकाठी और उसके बात करने के तरीके से राजा बहुत ही प्रभावित थे। राजा को ये भी मालूम था कि राजकुमार दुष्यंत के पिता एक बहुत ही दयावान राजा थे, जिसकी वजह से उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। इन सब कारणों से राजा को राजकुमार दुष्यंत बहुत ही पसंद आया। परंतु जब राजा ने राजकुमार प्रद्युम्न से बातचीत की तो राजा को उसकी बातचीत करने के सलीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। राजा को वो फूटी आँख भी नहीं सुहाया। राजा समझ गया कि वो एक घमंडी और चापलूस किस्म का इंसान है। महारानी को भी राजकुमार दुष्यंत ही बहुत पसंद आया और वो सीधा राजकुमारी के पास गई और कहने लगी, राजकुमारी मेरी बात मानो तो तुम अपनी सरते वापस ले लो और राजकुमार दुष्यंत से शादी कर लो। ऐसा राजकुमार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। सोचो अगर मगरमच्छ ने उसको खा लिया तो बहुत ही बुरा होगा। माँ, अगर मैंने इस समय अपनी शर्तें वापस ले ली तो मेरी बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए राजकुमार दुष्यंत अगर मेरी शर्तें पूरा करता है तो ठीक है, वरना वो अपने घर जा सकता है। महारानी इस बात पर बड़ी ही मायूस हुई। इसके बाद राजकुमारी की मुलाकात दोनों राजकुमारों से करवाई गई। राजकुमारी उन दोनों को महल से कुछ ही दूर एक जंगल में एक तालाब तक ले आई और फिर कहने लगी, ये वही तालाब है जिसमें एक आदमखोर और खूंखार मगरमच्छ रहता है। क्या आप दोनों इस तालाब में तैरकर दिखाएंगे? राजकुमारी का इतना ही कहना था कि उसी वक्त एक बड़ा सा मगरमच्छ तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर राजकुमार प्रद्युम्न ने कहा, अरे ये क्या, नहीं 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 नहीं, जान है तो जहान है, मैं इस तालाब में हरगिज नहीं जा सकता भाई। इसके बाद जब उसने राजकुमारी की बाकी दोनों शर्तें सुनी तो कहने लगा, क्या अब भला पतीला भर के चावल कौन खा सकता है, और इसके अलावा सोता हुआ घोड़ा यह कहां से लेके आऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा, वो तो सो रहा है। नहीं नहीं, नहीं मैं तो चला भाई, मुझे नहीं करनी शादी वादी। राजकुमारी जी, मैं कल आपको इस तालाब में तैर कर दिखाऊंगा। फिर वो लोग महल की तरफ लौट गए। अगले दिन सुबह राजकुमारी और राजकुमार एक बार फिर से उस तालाब पर जा पहुंचे। राजकुमार ने बिना देर किए तालाब में छलांग लगा दी और बड़े ही मजे से तालाब में तैरने लगा। काफी देर तक वो तालाब में रहा, परंतु इस दौरान वो मगरमच्छ कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। और फिर कुछ देर के बाद राजकुमार तालाब से बाहर भी आ गया। राजकुमारी ये देख कर हैरान थी कि इतने समय तक तालाब में रहने पर भी वो आदमखोर मगरमच्छ राजकुमार को खाने के लिए क्यों नहीं आया। जब राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे पर परेशानी देखी तो कहने लगा, हाँ तो राजकुमारी जी लीजिए, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी और अब आप शायद ये बात सोचकर हैरान हैं कि मुझे खाने के लिए मगरमच्छ क्यों नहीं आया, है ना? तो देखिए बात यह है कि मैंने कल रात को ही अपने कुछ सिपाहियों को एक बड़ा सा जाल देकर
उन्हें मगरमच्छ को पकड़कर दूर छोड़ आने के लिए कह दिया था। बस उन्होंने ऐसा कर भी दिया। अब देखिए, इस तरह से आपकी पहली शर्त तो मैंने पूरी कर दी है। क्या है ना कि शर्त के मुताबिक मुझे मगरमच्छ वाले तालाब में तैरना था। ये जरूरी नहीं था कि वो मगरमच्छ उस समय तालाब में हो। अब क्योंकि आपकी शर्त सिर्फ तालाब में नहाने की थी, मगरमच्छ से लड़ने की नहीं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक राजकुमार दुष्यंत, आपने मेरी शर्त पूरी कर दी है, क्योंकि मेरी शर्त यही थी कि आप तालाब में तैर कर दिखाए। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ। तो राजकुमार, आप पतीला भरकर चावल कब खाकर दिखाएंगे? बस अभी थोड़ी देर में ही। ये कहकर राजकुमार और राजकुमारी महल में चले गए। वहां पहुंचकर राजकुमार ने अपने नौकर के कान में कुछ कहा और फिर कुछ देर के बाद वो नौकर वापस महल में आया। उसने राजकुमार को एक तरफ ले जाकर कुछ चीज उसे थमा दी। इतनी देर में राजा के नौकरों ने अगली शर्त को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। वो एक बहुत बड़ा पतीला में चावल लेकर वहां पर आए। इतने बड़े पतीले को देखकर महाराज के चेहरे पर कुछ परेशानी दिखाई देने लगी कि राजकुमार ये शर्त कैसे पूरी करेगा। महाराज ने राजकुमार से कहा, क्यों राजकुमार, क्या आप खा सकेंगे इतना पतीला भरकर चावल? मैं एक तो क्या, दो पतीले चावल भी भरकर खा सकता हूँ। ये कहकर राजकुमार दुष्यंत ने अपने कपड़े में छिपा रखा एक छोटा सा पतीला निकाला, जो राजकुमार के नौकर खास तौर पर बाजार से खरीद कर लाया था। राजकुमार ने उस छोटे पतीले में चावल भरा और छट से खा गया। क्यों राजकुमारी जी, आपकी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। लीजिए, आपके सामने ही मैंने पतीला भरकर चावल खा लिया, जैसा कि आपने कहा था शर्त में। रानी, आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि ये राजकुमार सोते हुए घोड़े की भी सवारी कर ही लेगा। राजकुमारी जी, आपकी शर्त पतीला भर के चावल खाने की हुई थी। वो पतीला छोटा हो या बड़ा, इस बात का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। इस तरह से लीजिए, मैंने आपकी दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। राजकुमारी एक बार फिर से राजकुमार की बुद्धि की प्रशंसा करने लगी। उसी दिन शाम का समय था। राजकुमारी, महाराज और रानी तीनों महल के शाही बगीचे में घूम रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि सामने से राजकुमार एक घोड़े को अपने साथ ला रहे हैं। महाराज ने तब राजकुमार से कहा, अब बेटा दुष्यंत, ये घोड़ा लेकर तुम कहां जा रहे हो? महाराज, ये घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं है। मैंने खास तौर पर इसे एक बहुत ही बड़े अस्तबल से खरीदा है। इसके मालिक ने बताया है कि ये बहुत ही बढ़िया नस्ल का घोड़ा है और मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा सा नाम भी रखा है। वो घोड़ा सचमुच ही बहुत शानदार था। राजकुमारी को भी वो घोड़ा बहुत ही पसंद आया। उस घोड़े का रंग सफेद था और उसकी कटकाठी काफी लंबी चौड़ी थी। राजकुमारी ने पूछा, राजकुमार, आपने इसका क्या नाम रखा है? मैंने इसका नाम रखा है सोता हुआ घोड़ा। अब क्योंकि ये मेरा घोड़ा है, तो मैं जो भी चाहूं इसका नाम रखूं, मेरी मर्जी। अब मैं आपको सोते हुए घोड़े पर सवार होकर दिखाऊंगा, ताकि आपकी तीसरी शर्त भी पूरी की जा सके। ये कहकर राजकुमार दुष्यंत घोड़े पर सवार हो गया। उसने घोड़े को एयर लगाई और फिर दौड़ता हुआ बाग का चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाकर वो उन्हीं लोगों के पास आ गया। ये सब कुछ देखकर राजा और रानी हंसते हंसते लोट पोट हो गए। राजकुमारी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद वो बोली, मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे ही राजकुमार से हो, जो बहादुर होने के साथ साथ अकलमंद भी हो।
इसीलिए मैंने ये 3 शर्तें रखी थी कि इन शर्तों को पूरा करने वाला कोई ना कोई बुद्धिमान तो अवश्य ही होगा। और ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे ऐसा राजकुमार मिल गया। राजकुमारी की बात सुनकर राजा और रानी ने चैन की सांस ली। कुछ दिनों के बाद राजकुमार दुष्यंत और राजकुमारी कुसुम की शादी कर दी गई। राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। वो दोनों एक खुशनुमा जीवन बिताने लगे। कहानी पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, फर्स्ट कमेंट में हमारी नबाटून्स की एक और चैनल की लिंक दी हुई है, उसको भी देखो।